पर हूं वो है बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो समाज में चिंता है। मैं जब चंपारण में चल रहा था तब नया नया महागठबंधन अभी बना था, अक्टूबर में शुरू किया था, पौन अगस्त में महागठबंधन बना था। तो उस समय ज्यादातर लोग यही कहते थे कि देखिए शायद लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, लेकिन सिवान के बाद से मैं ये लगातार सुन रहा हूँ जब लोग ऐसी घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं कि किसी का मर्डर हो गया, अपहरण हो गया, डकैती हो गई, और कहीं ना कहीं जो वो डर लोगों के मन में था हमेशा से रहता है, जब भी आरजेडी किसी सरकार के फॉर्मेशन में रहती है तो समाज में बिहार में जो लोगों का जो अनुभव रहा है बड़ा कटु अनुभव रहा है 15 साल का 1990 से 2005 तक का, उसकी वजह से जो डर रहता है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का वो कहीं ना कहीं अब जमीन पर थोड़ा दिखना शुरू हो गया है। और खासकर सिवान में मैंने सुना और छपरा में भी लगातार सुन रहा हूँ, हर दिन जब हम लोग गांव से गुजरते हैं तो बाकी सारी समस्याओं के साथ साथ बिगड़ते हुए लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है उसके बारे में भी लोग खुलकर अब बता रहे हैं। अब अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो इसको बंद करें। समस्याएं तो सर बहुत सारी बिहार की है।